నా కుటుంబ సభ్యులారా ఆనే వాలే 5 సాల్ తెలంగాణ కే వికాస్ కే లియే బహుత్ జరూరీ హై ఇన్ 5 వర్షో మే తెలంగాణ కా రాజ్య ఆజ్ తెలంగాణ కీ ఉమర్ హై 10 సాల్ ठीक है, 10 साल हो गए ना, अब 5 साल के बाद 15 साल हो जाएंगे। अब घर में बेटा या बेटी जब 10 साल के हो जाते हैं तो माँ बाप क्या सोचते हैं, भाई अब उसके दोस्त अच्छे हो, उसकी स्कूल अच्छी हो, उसके टीचर अच्छे हो, उसकी पढ़ाई लिखाई अच्छी हो, उसका बातचीत करने का तरीका अच्छा हो, ये सब करते हैं कि नहीं करते हैं? और डगर डगर पे माँ बच्चों को बताती है कि देख भाई अब तू 10 साल का हो गया, 11 साल का हो गया, 13 साल का हो गया, अब जरा कुछ जीवन के लिए अच्छी पढ़ाई के लिए तैयारी करो, यहीं से जीवन शुरू होने वाला है। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? हर परिवार में बेटा या बेटी 10 साल के हो जाए तो 5 साल माँ बाप बड़े महत्वपूर्ण मानते हैं। वैसे ही तेलंगाना के 10 साल हो रहे हैं और इसलिए ये 10 से 15 साल का जो समय है ना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये 5 साल तय करेंगे कि तेलंगाना हिंदुस्तान में नंबर 1 कैसे बनेगा। और इसलिए भाइयों बहनों, ये ऐसी उम्र है तेलंगाना की कि अब हम कोई प्रयोग नहीं कर सकते, कोई गलती नहीं कर सकते, हम तेलंगाना को उसके नसीब पर नहीं छोड़ सकते। अब तो हमें हमारे सपनों का तेलंगाना बना के रहना है और इसके लिए तेलंगाना को बीजेपी सरकार की बहुत जरूरत है। साथियों, बीजेपी सरकार के लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता देश का विकास है, देश के हर राज्य का विकास है। आज जब लोग कहते हैं कि राष्ट्रहित में वोट दिया, अगर किसी को पूछा जाए, टीवी वाले वोट देने के बाद लोगों को पूछते हैं किसको वोट दिया, पूछते हैं ना, ये तेलंगाना में भी लोग चल पड़ेंगे 30 तारीख को। और लोग जब कहते हैं, कुछ लोग हैं बताते नहीं है, इतना ही कहते मैंने तो राष्ट्रहित में वोट दिया, जैसे ही वो कहता है राष्ट्रहित में वोट दिया तो पत्रकार भी समझ जाता है ये बीजेपी वाला लगता है। आज जब लोग कहते हैं कि विकास के लिए वोट दिया तो सुनने वाले समझ जाते हैं कि बीजेपी को वोट दिया है। आज जब कोई कहता है कि देश का गौरव बढ़ाने के लिए वोट दिया तो सामान्य मानवी भी समझ जाता है कि तो बीजेपी को वोट देकर के आया है। जब जनहित की बात होती है, गरीब कल्याण की गारंटी की बात होती है, तब भी एक ही नाम सामने आता है, बीजेपी, बीजेपी। बीजेपी पर यही विश्वास आज तेलंगाना के भी कोने कोने में दिखाई दे रहा है। मैं जहां गया हूं, मैं परिवर्तन की हवा देख रहा हूं, मैं लोगों का मिजाज देख रहा हूं। अब यहां बदलाव निश्चित है, लोगों ने यह भी तय किया है
बीआरएस को भगाएंगे, कांग्रेस को आने नहीं देंगे। ना कुटुंब सभ्युलारा, बीजेपी से अलग कांग्रेस और केसीआर ने आपको धोखा देने का कोई मौका छोड़ा नहीं है। जब कोई भ्रष्टाचार का नाम लेता है, परिवारवाद का नाम लेता है, तुष्टीकरण का नाम लेता है, तो तुरंत आपको कौन दिखाई देता है? बीआरएस दिखती है या तो कांग्रेस दिखती है या तो दोनों दिखते हैं। कांग्रेस के विधायकों की तो कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि ये कब बीआरएस में चले जाएं इसका कोई ठिकाना नहीं। सारा बिकाऊ माल बाजार में है। इसलिए कोई भी तेलंगाना में कांग्रेस को वोट नहीं देगा, क्योंकि लोग जानते हैं कांग्रेस को वोट देने का मतलब है कि केसीआर को दोबारा लाने का रास्ता खोल देना। कांग्रेस को वोट यानी केसीआर की सरकार फिर से आने की संभावना। और इसलिए अगर आप केसीआर नहीं चाहते हैं तो कांग्रेस को भी गलती से वोट मत देना, वरना वो पीछे से घुस जाएंगे। सत्ता से बाहर करने के लिए एक ही तरीका है, एक ही जड़ी बूटी है, एक ही उपाय है, कमल का बटन दबाना। बीजेपी की जीत और बीजेपी का सीएम।